Namaskar. I'm Dr. Monica Shikhawat and I'm working as a senior consultant radiologist at Manipal Hospitals, Ghaziabad. And today I'm here to talk about the advantages and the benefits of breast ultrasound. Breast cancer is a leading cause of cancer amongst females in India. And मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि for females who are very young, जिनका उम्र 40 साल से कम है, या lactating females हैं, pregnant females हैं, या even teenage girls हैं, अगर आपको breast में कोई lump महसूस होता है, या आपको लगता है कि nipple का color बदल रहा है, या कोई discharge आ रहा है, या skin में कुछ change है, तो आपको इसके बारे में ना हिचक नहीं रखना चाहिए, because a lot of girls who come to me, they tell me कि मेरे पास madam 5 महीने से ये गांठ थी, फिर मैंने सोचा बताऊँ घर पे या ना बताऊँ, आपको प्लीज ऐसा नहीं करना है. अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट है, आप पहले सेल्फ एग्जामिनेशन करिए. एक मिरर के सामने आप खड़े होंगे, आप देखेंगे अपने दोनों ब्रेस्ट को. अगर आपको कुछ आप फिर आप उसके बाद लेटने के बाद अपने हाथ से उसे पैल्पेट करिए. अगर आपको ऐसा लगता है कुछ बम्पीनेस है या आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, तो बेटर है यू कम टू द हॉस्पिटल एंड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, आप यंग हैं, अगर लेस देन 40 इयर्स एज है आपकी, तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा. अल्ट्रासाउंड में इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगना है. इट इज़ जस्ट सिंपल जेल आपके ब्रेस्ट पे लगाया जाएगा. आप सीधा लेटेंगे और मैं आपका स्कैन करके देखूंगी कि जिस एरिया में आपको लगता है कि कुछ बम्पीनेस है या लंप है, वो लंप ही है, या कई बार होता यह है कि पानी की सिस्ट बन जाती है जिसमें बड़ा दर्द रहता है और आप हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहोगे अरे मुझे ब्रेस्ट में गांठ है, क्योंकि उससे ना साइकोलॉजिकली भी आपको बहुत चिंता होती है, बहुत ही स्ट्रेस. मैंने खुद देखा है कि हॉस्टल में व्हेन वी वर देयर एज गर्ल्स, किसी फीमेल इज क्राइंग कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया. यू शुड नॉट, आई मीन ऑल द हेल्प इज नियर बाय ओनली. एंड सेकेंडली ये है कि अगर गॉड फॉरबिड इफ इट इज अ बायराइड्स 4 or 5, आई मीन कुछ सस्पिशियस लंप है आपको, तो अगर आपको हल्का भी डाउट है तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है ना. बिकॉज आजकल हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज, अगर हम कोई भी गांठ को किसी बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो उतना ही आसान उसका ट्रीटमेंट है, उतना ही अच्छा आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा, उतना ही अच्छा आपका नॉर्मल लाइफ स्पैन रहेगा. तो यू शुड नॉट बी स्केयर्ड, फर्स्ट थिंग इज दैट. एंड सेकेंड, देर इज़ नो रेडिएशन इन्वॉल्व विथ ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, जो एक बहुत मिथ्या रहती है कि अरे हमें रेडिएशन लग जाएगा, हम बहुत यंग हैं. तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, तो दीज आर ओनली साउंड वेव्स. एंड दैट इज़ वाई इन प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंट हैं और आपको लग रहा है, अगर हल्का सा भी आपको या बेबी को आप फीड करा रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ गांठ बन रही है, तो आपको उसको निग्लेक्ट नहीं करना है. यू शुड कम टू द डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड. क्योंकि दो चीज़ें हैं, या तो If there is a problematic thing, we have to face. किसी भी problem को solve करने से का एक ही तरीका है कि हम उस problem को पहले solve करें, I mean देखें कि है क्या और उसको treat कराएं. और अगर दूसरा ये है कि वो कोई problem ही नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको गांठ है, आप scan में आता है कि एकदम normal है, तो that gives you a lot of relief. So that awareness is very important and you must consult among yourself कि आपको अगर कुछ भी doubt है तो you should contact your doctor. Thank you.